सूरतगढ़ लक्ष्य चैरिटेबल सूरतगढ़ द्वारा तंबाकू निषेध दिवस पर आज शर्मा क्लासेस में एक सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अमन गौरी ने की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लोगों को तंबाकू के खतरों के बारे में जागरूक करना और एक स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना। डॉक्टर अमन गौरी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सुरेश शर्मा, नीरज बेनीवाल और राजीव उपाध्याय मुख्य अतिथि रहे। इस सेमिनार में 8 प्रतिभागी भी शामिल हुए। सुषमा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अशोक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और आयुषी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर अमन गौरी ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और उसे कैसे छोड़ा जा सकता है, ये भी बताया कि नशे से सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी खो जाती है। नीरज बेनीवाल ने भी नशे के बारे में जानकारी दी और युवा को इससे दूर रहने का आह्वान किया। सुरेश शर्मा ने भी नशा छोड़ने के लिए जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को लक्ष्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। राजीव उपाध्याय, नीरज बेनीवाल और इमरान खान लोधी ने कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अमन गौरी और सुरेश शर्मा को सम्मान प्रतीक भेंट दी। इसके साथ ही दीपक शर्मा और हरिकृष्ण द्वारा शर्मा क्लासेस को धन्यवाद दिया गया। छात्रों द्वारा नशा न करने की शपथ दिलवाई गई। तंबाकू लोग लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति तंबाकू लेता है उसके आगे आसपास में 2 से 3 लोग भी खड़े हैं तो 2 से 3 लोग भी अफेक्टेड होते हैं। WHO के हिसाब से 8 मिलियन, 8 से 9 मिलियन, 80 से 90 लाख लोग हर साल तंबाकू से मरते हैं और उस 80 से 90 लाख लोगों में से 7 मिलियन जो लोग होते हैं, 70 लाख लोग जो होते हैं वो तंबाकू के डायरेक्ट कॉज से मरते हैं। जो तंबाकू लेने वाले होते हैं, जो धूम्रपान करने वाले होते हैं, जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं, और जो 1.2% लोग होते हैं या 12 लाख लोग होते हैं उसके साथ में जो कभी नशा नहीं लेते हैं बट पैसिव स्मोकिंग के थ्रू, एक तो होता है डायरेक्ट स्मोकिंग, एक होता है पैसिव स्मोकिंग जो आस पास में लोगों को अफेक्टेड करता है उसका धुआं, उसके थ्रू मरने की चांसेस संभावना बढ़ती है। तो इस तरीके से तंबाकू हमारे समाज को दिन ब दिन खाया जा रहा है और एक तरीके से परिवारों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।